हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की खीर। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार होती है बहुत ही जल्दी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जायका किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना इसे। हमने लिया है 1 लीटर दूध, इसे हम बॉयल होने के लिए रख दिए हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए, जो इस पर एक लेयर बनती है हम उसे चलाते हुए बीच में करते रहेंगे ताकि दूध अच्छा गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर और दूध को यूं ही बॉयल करते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा होता है तब तक हम दूसरी तरफ पैन में घी गरम कर लेंगे और उसमें ले लेंगे हमने कद्दू कस के हुए, देखिए इस तरह से 1 कप कद्दू। हम इसका पानी जो एक्स्ट्रा होता है उसे सॉटे कर लेंगे, ये ड्राई हो जाए। इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। फ्लेम को मीडियम रखकर हम अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। फिर हमने लिया है 1/2 कप साबूदाना, देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। दूसरी तरफ देखिए दूध भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे जो हमने भुना था कद्दू, उसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर हम उसमें डाल देंगे साबूदाना, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम कुक करते रहेंगे इसे कंटिन्यू चलाते हुए। फिर हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया था पहले, फिर उसे घी में अच्छे से भून लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रीन फूड कलर, देखिए ये काफी गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और लास्ट में जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर। फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने कद्दू की खीर को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में डाल के ठंडा कर लिया था। ये इसे हम ठंडा सर्व करते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। हम इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स बारीक कट किया हुआ डाल देंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक जायका किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।